आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर एक इस तरह से क्लिप लगा होता है। ये क्लिप बहुत काम का है। आप इसे जब ब्रेड यूज़ कर लो तो इस क्लिप को रख लो। आप किसी भी पैकेट के ऊपर इसे लगा सकते हो। मैंने नमकीन खोला था तो नमकीन बच गया था, तो नमकीन को मैंने इससे इस क्लिप से लॉक कर दिया। तो ये बड़ी यूज़ की टिप है। मेरी सेकंड टिप है कि आप गुड़ को लेकर, गुड़ पौष्टिक तो है ही, पर आप कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई हम ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे मुंह में स्मेल आने लग जाती है, और किसी मीटिंग में जाना होता है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा गुड़ लेकर खा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके मुंह में स्मेल भी नहीं आएगी और मुंह भी फ्रेश रहेगा। तो आप इस टिप को आजमा कर देखिए। बैके किचन में लाइटर को लेके, किचन में लाइटर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, परंतु सबसे ज़्यादा गंदा भी होता है। तो हम आज बड़े आसान तरीके से लाइटर को साफ़ करेंगे। नेल पेंट रिमूवर लेंगे, आप लिक्विड लेंगे, लिक्विड लोगे तो कॉटन के साथ साफ़ करोगे। तो मैंने लिया है जो पेपर स्ट्रिप में आता है इस तरह से, तो उसका एक स्ट्रिप लेंगे और अच्छी तरह से लाइटर को साफ़ करेंगे। इसे लाइटर की गंदगी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो आप इस तरह बहुत आसान तरीके से लाइटर को साफ़ कर सकते हैं। लाइटर को हम कॉटन में थोड़ा सा ऑयल लगा के भी साफ़ कर सकते हैं। हमें जहाँ पे लाइटर की स्पार्क निकलती है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। एक हम ईयरबड लेंगे, ईयरबड्स की सहायता से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो इस तरह से हम लाइटर को बड़े आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं। कि अगर हम लाइटर को साफ़ रखेंगे तो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। तो ये बड़े काम की टिप है। में आप दूध रखते हो, जब दूध ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से नीचे पतीले में दूध बचा रहता है। तो आप क्या करें, उसमें थोड़ा सा आटा गूंथ लीजिए। इससे रोटियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। तो ये टिप बहुत काम की है, आप इसे यूज़ करके देखिए। टिप पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।